नमस्कार दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव का आगाज शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखें डिक्लेयर कर दी हैं। 14 फरवरी को यहां पर चुनाव होगा और जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को होगा। पीछे हमारे साथ आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है ये पंजाब सचिवालय की बिल्डिंग है और इसके पीछे ही पंजाब विधानसभा है। ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है और ये पंडित नेहरू के सपनों का जो शहर है चंडीगढ़, उसकी खूबसूरत बिल्डिंग है जो कि यूनेस्को को भी इसका दर्जा दिया गया है। और हमारे साथ जो हैं, पंजाब विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है और किस तरह से विभिन्न दलों की जो रणनीति है वो क्या होगी, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे जो पंजाब को देखते हैं NCTV के पंजाब के जो संवाददाता है गुरदास जसल, उनसे बात करते हैं कि क्या है पंजाब की रणनीति, विभिन्न दलों की क्या क्या मुद्दे हावी होंगे। और इस वक्त देख सकते हैं हमारा जो सफ़र है वो चंडीगढ़ से, हर विधानसभा में हम लोग जाएंगे, हर जगह की ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। चंडीगढ़ से इसका आगाज शुरू किया है पंजाब सरकार की, यहाँ से पंजाब सरकार चलती है। इसके पीछे विधानसभा जो है वो पंजाब विधानसभा है, 117 विधानसभा है। 3 इलाके महत्वपूर्ण हैं, मालवा, दुआबा और माझा, और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि 69 सीट्स हैं वो मालवा में है। तो हमारे साथ हैं गुरदास, तो चुनाव का आगाज़ हो गया है, आप किस तरह से रुख देखते हैं पूरे पंजाब में, किस पार्टी को एज मिलने की संभावना है? भूपिंदर जी, इस बारी का जो पंजाब चुनाव है काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि अभी जो पिछले दिनों में घटना हुई तो ये चुनाव मोदी वर्सेज चन्नी हो चुका है। पहले कुछ और था, पहले इट वॉज कांग्रेस वर्सेज बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी। अमरिंदर सिंह जी भी बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, लेकिन एक बात तय है कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री वापस गए, वहां पर एक नया मुद्दा जो है नैरेटिव कांग्रेस ने शुरू किया है, पंजाब पंजाबियत। ये चुनाव जो है पंजाबियत की होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किसानों को कहा कि वो मेरे लिए नहीं मरे हैं, और जिस तरह से वो प्रदेश में आकर ढेर सारी योजनाओं को लागू करना था बिना उन्हें लागू करके चले गए, उस पर ढेर सारे पिछले 3-4 दिनों में वो चर्चा का विषय बनता रहा। पंजाब एक बहुत बड़े मुद्दे पर हर जगह चर्चा के विषय में रहा, लेकिन जो चन्नी सरकार है, खासकर मुख्यमंत्री चन्नी, आप पंजाब के हर इलाके में घूमते हैं, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उसको रिसर्च भी किया है, क्या क्या दिख रहा है, चन्नी सरकार किस तरह से काम कर रही है? देखिए, चन्नी सरकार ने मजबूती से पंजाबियों की नब्ज़ पकड़ी हुई है, उनको पता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। पंजाब का अगर आप इतिहास भी देखें, जब भी बाहर से आक्रमण हुआ तो पंजाब कलेक्टिव हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, वही चीज़ का यूटिलाइज चन्नी सरकार ने किया और उनका नैरेटिव बन गया चन्नी वर्सेस मोदी। पहले हालात कुछ और थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वाला इंसिडेंस हुआ 5 जनवरी को, उसके बाद सारा पंजाबियत वर्सेस मोदी का ये नैरेटिव। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी का पिछला, अगर हम रिसर्च करें तो बीजेपी कहीं पंजाब में उतनी दिखती नहीं है, मात्र 2 सीटें पर उनके विधायक थे। मौसम बहुत सर्दीला हो गया, लेकिन राजनीति गर्मी बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से अब पंजाब और पंजाबियत की चर्चा हो गई है पूरे पंजाब में, वो कांग्रेस को आपको लगता है कि फायदेमंद होगा? वो डेफिनेटली वो फायदेमंद होगा, और इसका जो इफेक्ट है, जो कि भाजपा के साथ कांग्रेस के कुछ विधायक पिछले दिनों में टूट कर गए थे, उसका भी असर अब रियलिटी उनको भी दिख चुकी है क्या। और कांग्रेस, मुझे लगता है, इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाएगी। पंजाबियत की ये जो आवाज़ पूरे पंजाब में, गांव-गांव में चर्चा हो रही है, इसका डेफिनेटली बेनिफिट कांग्रेस को होने। एक और महत्वपूर्ण, अभी पीछे चुनाव नगर निगम के हुए पूरे पंजाब में, और हमने देखा कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो बाहर निकल नहीं पाए, और मुझे लगता वही फिर होने वाला है। जिस तरह से किसान नाराज है, खास करके ये किसान प्रदेश राज्य है और किसान बीजेपी से बहुत नाराज है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की शैली थी, जिस पर सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल हैं उन्होंने बयान दिया कि जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए नहीं मरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए गोली खाने को तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये चर्चा का विषय काफ़ी ज़्यादा बन गया है। कौन कौन से मुद्दे हावी होंगे आपको लगता है कि पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले जब आपने किसानों की बात की, किसानों में अभी भी बहुत सारी बीजेपी के प्रति नाराज़गी है। किसानों का की मांग है कि सबसे पहले जो 700-750 किसानों की किसान आंदोलन के दौरान शहादत हुई, उनको उनका मुआवजा, उन पर परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, इस आंदोलन के दौरान हरियाणा में और दूसरे प्रदेशों में जिन भी किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज किए हैं पुलिस ने, किसान डिमांड करते हैं वो पर्चे खारिज किए जाने चाहिए। जब
सरकार ने, भारत सरकार ने बिल वापस ले लिया तो वो पर्चे अभी तक क्यों रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये किसान लीडर जितने भी हैं, हर गांव में ये बात है कि उनके खिलाफ जो पर्चे हैं वो वापस लिए जाएं और शहादत जो भी है जिन भी किसानों की हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो आज ये आपको बता दें कि अब हम हर विधानसभा में जाएंगे, 117 विधानसभा में, माझा में भी जाएंगे, मालवा में भी जाएंगे और दुआबा में भी जाएंगे और आपको जमीनी हकीकत बताएंगे। तो आपको अगले सफर में फिर मिलते हैं। चंडीगढ़ से अब हम निकलेंगे, जो इलाका है मालवा का इलाका है उस तरफ चलेंगे। सबसे पहले जाएंगे हम लोग पटियाला, पटियाला से पहले राजपुरा, राजपुरा से पहले मोहाली, ये पूरा रास्ता होते हुए बठिंडा। आपको एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे। तो आप हमारे सफर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।